इस एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर अगेन इफ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल लाइक इन नेस्टेड फॉर्म। व्हाट इज मीन बाय नेस्टेड इफ? लाइक दैट इफ सम कंडीशंस और कंडीशन वन, देन opening of the if body, after that some statement like a s1, then again we are providing some if conditions, condition 2, like that some statement as s2 or s3 or like a s4। इस टाइप के if को नेम देंगे एज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इस केस में टू टाइप के if स्टेटमेंट इन्वॉल्व होंगे, इनर इफ और आउटर इफ। फर्स्ट इफ को नेम देंगे एज अ आउटर इफ, दिस वन इज कंसीडर्ड एज आउटर इफ। अगर इफ के बॉडी पार्ट में आपने अदर इफ प्रोवाइड किया, जैसे इनर इफ को, या बॉडी के अंदर अगर कोई इफ प्रोवाइड किया, इस टाइप के इफ को नेम दोगे एज अ इनर इफ स्टेटमेंट और इनर इफ, लाइक दैट। इस टाइप से इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट नेस्टेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एग्जीक्यूशन फ्लो डायग्राम फॉर गिवन कोड और गिवन लॉजिक्स। इस केस मैंने कुछ लॉजिक्स प्रोवाइड किए इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स और सम कंडीशंस। अगेन सबसे पहले जैसे इस प्रोग्राम को चांस प्रोवाइड हुआ, सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका हो रहा है? स्टेटमेंट S0, स्टेटमेंट S0, स्टेटमेंट S0 के जस्ट बाद सेकेंड केस क्या है? कंडीशन टेस्टिंग। इस इफ के केस में बात करें, इस इफ के केस में टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन फॉल्स। या तो कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूशन प्रोवाइड होगा टू द बॉडी ऑफ इफ। दिस वन इज कंसीडर्ड एज आउटर इफ, दिस वन इज कंसीडर्ड एज इनर इफ। सपोज दैट अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स है, देन आउटर इफ का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इस केस में कभी भी इनर इफ को चांस प्रोवाइड नहीं हुआ। इनर इफ कब टेस्ट होगा? अगर आउटर इफ का कंडीशन ट्रू है। इस केस में सबसे पहले आउटर इफ के लिए कंडीशन फॉलो करेंगे। कंडीशंस के केस में पॉसिबल केस क्या होंगे? आइदर ट्रू और फॉल्स। अगेन दिस वन इज ट्रू सेशन एंड दैट वन इज फॉल्स सेशन। सबसे पहले ट्रू के लिए डिस्कस करेंगे। और कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ इफ, और इफ के बॉडी के अंदर सबसे पहले स्टेटमेंट प्रोवाइड हो रहा है, स्टेटमेंट एस1, दैट वन। स्टेटमेंट एस1 के जस्ट बाद देन स्टेटमेंट एस1 एग्जीक्यूट होने का चांस किसको मिलेगा? अगेन इनर इफ, कंडीशन टेस्टिंग। सबसे पहले कंडीशन टू टेस्ट हो, दिस वन इज कंडीशन वन और समथिंग कंडीशन टू। नेक्स्ट टाइम टेस्ट क्या हुआ? अगेन नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन के रिस्पेक्ट में इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ कंडीशन वन, कंडीशन टू। अब कंडीशन टू टेस्ट हुआ, तो कंडीशन टू के रिस्पेक्ट में अगेन टू पॉसिबल केस होंगे, आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। और कंडीशन ट्रू देन चांस प्रोवाइड टू द बॉडी ऑफ इफ। नेक्स्ट इनर इफ का बॉडी फर्स्ट सेमीकोलन से टर्मिनेट हो रहा है, बिकॉज इस केस में कोई कर्ली ब्रैकेट प्रोवाइड नहीं किया, तो इस केस में चांस किसको मिलेगा? S2, स्टेटमेंट S2, दैट वन। स्टेटमेंट S2 के जस्ट बाद चांस किसको मिला? स्टेटमेंट S3, मीन्स टू द स्टेटमेंट S3। देन स्टेटमेंट S3 के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर के केसेस में चांस किसको मिलेगा? स्टेटमेंट S4, नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट S4, लाइक दैट। नेक्स्ट वन, इनर इफ के केस में दूसरा पॉसिबल केस क्या है? आइदर कंडीशन इज ट्रू और कंडीशन इज फॉल्स। अगर इनर इफ का कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के केस में कंडीशन टेस्ट होने के बाद जस्ट कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? डायरेक्टली आउटसाइड बॉडी, मीन्स इफ का बॉडी टर्मिनेट किसी को फर्स्ट सेमीकोलन, तो S3 कंसीडर होगा एज आउटर आउटसाइड ऑफ इनर इफ। S3 मीन्स अगर कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल सेंड करें इस केस में टू द स्टेटमेंट S3। इस केस में भी स्टेटमेंट S3 एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा? टू द स्टेटमेंट S4। नेक्स्ट वन मीन्स आउटर इफ के लिए ट्रू पार्ट कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर लिया, देन नेक्स्ट केस में अब चांस किसको मिलेगा? और कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के केस में कंट्रोल कहाँ सेंड होता है? डायरेक्टली टू द आउटसाइड बॉडी, तो बॉडी के जस्ट बाद क्या है? S4। तो इस केस में फॉल्स होने के केस में डायरेक्टली कंट्रोल सेंड करें टू द स्टेटमेंट S4। इस केस में पॉसिबल आउटपुट्स क्या होंगे चेक करते हैं। इस केस में सबसे पहले आउटर इफ के लिए टेस्ट करें। आउटर इफ के केस में अगर कंडीशन वन फॉल्स ट्रू है, कंडीशन वन अगर ट्रू है देन इस केस में एग्जीक्यूशन फ्लो क्या हुआ इस केस में सबसे पहले चांस किसको मिलेगा S0, देन ट्रू होने के केस में S1 के जस्ट बाद अगेन टू पॉसिबल केस होंगे आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर इनर कंडीशन ट्रू है, इनर कंडीशन ट्रू होने के केस में कंडीशन टू इज ट्रू, इस केस में चांस किसको मिलेगा S2, S3, S4 मीन्स S2 देन S3 देन S4। दिस इज द एग्जीक्यूशन फ्लो इन केस ऑफ इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू मीन्स इस केस में अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है देन सिंपल एग्जीक्यूशन फ्लो क्या हुआ S0, S1, S2, S3, S4। दूसरा पॉसिबल केस क्या है अगेन आउटर का कंडीशन में कंसिडर कर रहा हूँ एज ट्रू, इनर कंडीशन इज फॉल्स। आउटर का कंडीशन ट्रू है तब भी अगेन फिर से चांस किसको मिलेगा S0 देन अगेन S1 के बाद अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल कांस्टेंट होगा S3। इसे अगर कंडीशन टू फॉल्स है, फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल कांस्टेंट के टू द S3 और S3 के जस्ट बाद डायरेक्टली S4 इज द पॉसिबल केस। दूसरा पॉसिबल केस क्या है इफ आउटर कंडीशन इज फॉल्स, अगर आउटर इफ का कंडीशन फॉल्स है, इफ कंडीशन वन इज फॉल्स, कंडीशन वन अगर फॉल्स है देन इनर कंडीशन टेस्ट करने नीड ही नहीं होगी, डायरेक्टली कंट्रोल कांस्टेंट होगा S0 देन डायरेक्टली टू द S4 इन दैट केस S0 एंड सिंपली S4। दिस इज द पॉसिबल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग दिस लॉजिक्स।